Let us study the common methods of preserving food in our homes. आइए हम लोग कुछ सामान्य तरीकाओं के बारे में जानते हैं जिसकी सहायता से हम अपने घरों में भोजन को प्रिजर्व करके संरक्षित करके रख सकते हैं. We have to save it from the attack of microorganisms. और हम उसे microorganisms के प्रभाव से बचा सकते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे केमिकल मेथड के बारे में. तो देखिए केमिकल मेथड से किस प्रकार भोजन को फूड को प्रिजर्व करके रखा जाता है. साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स. देखिए साल्ट जो होते हैं और खाने वाले जो तेल जो होते हैं आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देखिए साल्ट और खाने वाले जो तेल जो होते हैं एडिबल ऑयल जो होते हैं सामान्य केमिकल है जिसको साधारणतः यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने के लिए. देयरफॉर दे आर कॉल्ड, यही वजह है कि इन्हें प्रिजर्वेटिव्स कही जाती है. वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. देखिए हम लोग साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स का अचार में देते हैं जिससे उस पर किसी प्रकार का माइक्रोब का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब उसके प्रभाव को हम रोक देते हैं साल्ट की सहायता से और एसिड की सहायता से. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये कुछ दो रसायन हैं, दो केमिकल्स हैं जो कि ये सामान्य प्रिजर्वेटिव्स के रूप में काम करता है. कौन कौन? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट. दे आर ऑल्सो यूज इन जैम्स, इसका प्रयोग देखिए जैम्स में भी होता है एंड स्क्वेसेस और स्क्वेसेस में भी होते हैं टू चेक देयर स्पॉयलेज, जिससे कि उनके स्पॉयलेज को यानी कि बर्बाद होने को रोकता है, मतलब वो जल्दी ख़राब नहीं होता. प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट. अब देखिए कॉमन साल्ट के द्वारा किस प्रकार प्रिजर्वेशन किया जाता है, किस प्रकार संरक्षित किया जाता है भोजन को, वो समझेंगे. कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. देखिए कॉमन साल्ट का प्रयोग मीट को और मछली को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखने के लिए प्रयोग होता रहा है. मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट. देखिए मीट और जो फिश होते हैं उसको सूखे नमक के साथ ढक दिया जाता है. इससे क्या होता है? टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. इसके देखिए मीट और फिश को जब नमक से कवर कर दिया जाता है तो उस पर जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, बैक्टीरिया उस पर ग्रोथ नहीं कर पाता है. साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा. देखिए साल्टिंग से नमक देके हम लोग आंवला को, रो मैंगोस को और टैमरिंड को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है, मतलब आंवला, रो मैंगोज यानी कच्चे आम और टैमरिंड को भी साल्ट देके प्रिजर्व किया जाता है. अब देखिए प्रिजर्वेशन बाय शुगर. शुगर के द्वारा किस प्रकार फूड को प्रिजर्व किया जाता है अब उसको समझेंगे. जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर. यहाँ बताना चाहेंगे जैम्स, जेलीज, स्क्वेसेस को शुगर की सहायता से प्रिजर्व करके रखा जाता है. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कॉन्टेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड. शुगर जो होता है भोजन में मॉइस्चर को कमी करता है, नमी को कमी करता है. इससे क्या होता है कि भोजन में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं बढ़ पाती हैं. अगर बैक्टीरिया अगर बढ़ता तो भोजन को बर्बाद कर सकता था, ख़राब कर सकता था, मगर बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देने से क्या होता है कि भोजन भी संरक्षित हो जाता है, भोजन बर्बाद नहीं होता है. अब समझेंगे प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. किस प्रकार ऑयल और विनेगर की सहायता से भोजन को प्रिजर्व किया जाता है. तो देखिए यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स. देखिए पिकल्स खराब नहीं होता है जब उस पर ऑयल और विनेगर का प्रयोग होता है. बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट. क्योंकि ऐसे वातावरण में जहाँ पर ऑयल होता है, विनेगर होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया नहीं जीवित रहता है.
यानी वहाँ बैक्टीरिया नहीं रहता है। वेजिटेबल्स फ्रूट्स फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। देखिए ऑयल विनेगर की सहायता से प्रिजर्व करके वेजिटेबल्स को रखा जाता है, फ्रूट्स को रखा जाता है, फिश को रखा जाता है और मीट को भी रखा जाता है। अब समझेंगे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट किस प्रकार भोजन को प्रिजर्व करने में मदद करता है। तो देखिए यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर और यूज्ड। आपने अवश्य अपने माँ को देखा होगा कि दूध को स्टोर करने से पहले, उसका यूज़ करने से पहले उसको उबालती हैं। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए बॉइलिंग करने से क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। उसी प्रकार हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रख सकते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। देखिए लो टेम्परेचर होने से, तापमान के कम होने से वहाँ पर माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है वो प्रभावित होती है, वहाँ वो बढ़ नहीं पाता है और इस प्रकार मेरा क्या होता है, भोजन खराब होने से बच जाता है। देखिए बूझो क्या सोच रहा है उसको समझते हैं। Why does the milk that comes in packets not spoil? दूध जो पैकेट में आता है वो क्यों बर्बाद नहीं होता है? My mother told me, मेरी माँ मुझे कही है, that the milk is pasteurized, कि वो जो दूध जो होता है उसे pasteurized किया हुआ होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि what is pasteurized? तब pasteurized क्या होता है, तो देखिए समझते हैं। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। देखिए पास्चराइज्ड मिल्क को हम बिना बॉइलिंग किए ही उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे उपभोग कर सकते हैं। एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होता है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। देखिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है फॉर 15 to 30 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड तक, एंड देन सडनली चिल्ड, और तुरंत उसे ठंडा किया जाता है एंड स्टोर, और उसे स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर। देखिए इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर ने की थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड पाश्चराइजेशन, इसलिए इसको पाश्चराइजेशन कही जाती है। स्टोरेज एंड पैकिंग। देखिए अच्छे तरीके से स्टोरेज करें और पैकिंग करें कुछ विशेष तरीके से तो भोजन को माइक्रोब से बचाया जा सकता है। तो देखिए समझते हैं कि स्टोरेज और पैकिंग किस प्रकार करें कि भोजन को बर्बाद होने से, माइक्रोब के प्रभाव से बचा सकते हैं। तो देखिए दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। आजकल क्या होते हैं, सूखे फल को और यहाँ तक कि सब्जियों को बेचा जाता है, किस तरह बेचा जाता है ना, एयर टाइट पैकेट में सील करके, बंद करके बेचा जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, उस पर किसी प्रकार का माइक्रोब का प्रभाव नहीं पड़ता है, माइक्रोब के प्रभाव को रोक देता है। मतलब सील करते हैं, उसे पैक करते हैं यदि फ्रूट्स को, सब्जी को एयर टाइट पैकेट में, तो उस, तो ऐसा करने से क्या होता है, उस पर किसी प्रकार का माइक्रोब का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जो हम लोग समझेंगे वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए You have learned about the bacterium rhizobium. आपने bacterium rhizobium के बारे में पढ़ा है in class 6 and 7। मतलब आपने class 6 और 7 में rhizobium bacterium के बारे में पढ़ चुके हैं। It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant. ये जो bacterium जो हैं, यानी rhizobium जो है, nitrogen fixation, यानी nitrogen को ये fix करता है और ये लेगुमिनस प्लांट में रहता है।
मतलब ये लेगुमिनस प्लांट यानी दाल वाले पौधे में ये पाया जाता है, और ये क्या करते हैं ना, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन जो एयर में है उसको ये फिक्स करता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव इन द रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। अगर आप याद करें तो आप पाएंगे, आपकी जानकारी होगी कि ये जो राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम बैक्टीरियम जो होता है, वो लेगुमिनस प्लांट के रूट नोडल्स में रहते हैं, सच एज बीन्स एंड पीज। यदि एग्जाम्पल देखें तो बीन्स ले सकते हैं, पीज ले सकते हैं, विथ विच इट हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और ये उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहते हैं, मतलब दोनों के मतलब ये एक दूसरे को मदद करते हैं और रहते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी क्या होता है कि लाइटनिंग के प्रभाव से, आकाश में जो लाइटनिंग होती है बरसात के समय में, तो उस समय लाइटनिंग के प्रभाव से भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्स होता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। किंतु आप ये जानते हैं कि एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सदैव कॉन्स्टेंट रहती है, सदैव स्थिर रहती है, नहीं बदलती है। यू मे वॉन्डर हाउ, तो आप सोचते होंगे कि कैसे हो रहा है, आपको जरूर ही आश्चर्य पड़ा होगा कि ये कैसे, कि नाइट्रोजन जिसे यहाँ पर देख रहे हैं बन रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, तो फिर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा कांस्टेंट क्यों रहती है, कैसे रहती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। आइए इसे हम लोग अगले सेक्शन में समझते हैं। अब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के सहायता से ये समझेंगे कि किस प्रकार एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो मात्रा है, नाइट्रोजन की जो अमाउंट है, वो कांस्टेंट रहती है, नहीं बदलती है, तो नाइट्रोजन साइकिल की सहायता से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। देखिए, नाइट्रोजन जो है वो सभी प्रकार के जो आवश्यक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उन इम्पॉर्टेंट जो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनमें से एक नाइट्रोजन है। जैसे कि प्रोटीन का हिस्सा है ये नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन का योगदान है, न्यूक्लिक एसिड में है और विटामिन में है। तो कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो महत्वपूर्ण संघटक है, जैसे कि प्रोटीन में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड में, विटामिन में, तो इस सब में भी नाइट्रोजन पाए जाते हैं। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल। देखिए, जो नाइट्रोजन जो है एटमोस्फेयर में, उसको सीधे रूप में प्रयोग नहीं कर सकता है प्लांट और एनिमल, मतलब प्लांट के द्वारा और एनिमल के द्वारा डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको प्रयोग नहीं कर सकता है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी। देखिए, कुछ निश्चित प्रकार की बैक्टीरिया और नीले हरे रंग की जो शैवाल होती है प्रेजेंट इन द सॉयल, जो मिट्टी में मौजूद है, मिट्टी में पाई जाती है, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर। ये एटमोसफेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है एंड कन्वर्ट इट इंटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, और उसे नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देता है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इंटू दिज यूजेबल कंपाउंड, जब एक बार नाइट्रोजन यूजेबल कंपाउंड में, इस प्रकार के नाइट्रोजन के कंपाउंड में जब बदल दिया जाता है, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट, तब पौधे फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं, पौधे के द्वारा उसका प्रयोग होता है। फ्रॉम द सॉयल, कहाँ से लेता है, मिट्टी से लेता है, देयर रूट्स सिस्टम, मतलब थ्रू देयर रूट सिस्टम, अपने रूट सिस्टम से नाइट्रोजन के कंपाउंड को पौधे अपने रूट सिस्टम से लेता है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द
सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन, उसके बाद नाइट्रोजन का प्रयोग प्रोटीन के निर्माण में होता है पौधे में, एंड अदर कंपाउंड, और अन्य प्रकार के कंपाउंड के निर्माण में भी प्रयोग होता है। एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स, देखिए एनिमल पौधे को खाते हैं, गेट दिस कम प्रोटीन एंड क्या होता है ना, गेट दीज प्रोटीन, और उसको पौधे को खा के क्या करता है, वो प्रोटीन को प्राप्त करता है, कौन न एनिमल्स, एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, और अन्य किस्म के नाइट्रोजन कंपाउंड को भी पौधे को खा के प्राप्त करते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब पौधे और जंतु मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉयल कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इंटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, तब क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया और फंगी मिट्टी में पाए जाते हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, उसके बाद क्या होता है, पौधे उसको पुनः फिर से प्रयोग करने लगते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, कुछ विशेष प्रकार की बैक्टीरिया ऐसे होती है जो उस कंपाउंड को पुनः नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, विच गोज बैक इंटू द एटमोसफेयर, जो वापस पुनः एटमोसफेयर में चला जाता है। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट, इसके फलस्वरूप क्या होता है कि नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होता है एटमोसफेयर में वो लगभग स्थिर रहती है। हम लोग डायग्राम की सहायता से नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे, तो देखिए एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन, देखिए एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन है, जब लाइटनिंग होता है तो देखिए ये एटमोसफेयर का जो नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस रूप में, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में, कहाँ पर, इन द सॉयल, मतलब वो फिक्स हो जाता है सॉयल में नाइट्रोजन के कंपाउंड के रूप में लाइटनिंग के समय। दूसरा क्या देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन जो गैस है जो एटमॉस्फेयर में होता है उसको क्या करता है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है, उस गैस को जो एटमॉस्फेयर में जो मौजूद है उस गैस को वो फिक्स कर देता है, नाइट्रोजन गैस को क्या करता है, फिक्स कर देता है बैक्टीरिया इन टर्न, और फिर बाद में बैक्टीरिया क्या करता है, फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, उस फिक्स नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, और वो फिर कहाँ भेज देता है, उसको मिट्टी में। उसके बाद मिट्टी में जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उसे पौधे ले लेते हैं, पौधे उसका ले लेते हैं, और जब पौधे को कोई एनिमल खाता है, एनिमल मान के पौधे को खा गया, तो वो नाइट्रोजन के कंपाउंड कहाँ चला गया, एनिमल में चला गया। नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन एंड डेथ, वही जंतु जब नाइट्रोजनस कंपाउंड को त्याग करता है या वो जंतु मर जाता है तो फिर पुनः वापस वो सॉयल में नाइट्रोजन के कंपाउंड आ जाता है। उसके बाद देखिए जो नाइट्रोजन के कंपाउंड जो मिट्टी में होते हैं, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, तो देखिए आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया जो होते हैं जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन के कंपाउंड जो होते हैं उसको वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है जो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम है।